सूचना प्राप्त हुई कि वालेरा गांव के मठाधीश महंत पारस भारती जी की गाड़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में रास्ते पर खड़ी है, जिसके कांच भी टूटे हुए हैं और महंत जी का साफा व अन्य सामग्री गाड़ी में है, परंतु महंत जी की कोई वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहे काम है। इसी के तहत अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया व 8 थानों की अलग अलग टीम गठित करके हर प्रकार से 3 दिन तक गहन सर्च ऑपरेशन की तरह चलाया गया। उसी के तहत 3 तारीख की शाम को रेवतर आबकारी थाने पे महन जी स्वयं पहुंच करके उन्होंने उपस्थिति दी और हमारी टीम जा करके फिर उन्हें वहां से लेकर के आई। महन जी बिल्कुल सुरक्षित हैं, शरीर पे कोई भी चोट नहीं है। उनसे गहन पूछताछ के बाद ये बात सामने आई कि 5 व्यक्ति जिनके नाम नागेंद्र निवासी समदड़ी जिला बाड़मेर, अभय सिंह निवासी जसोल जिला बाड़मेर, छतर सिंह निवासी सियाणा जिला बाड़मेर, महावीर निवासी बालोतरा जिला बाड़मेर व जोग सिंह निवासी समदड़ी जिला बाड़मेर, यह महन जी को कोई ये बता करके कि उनकी कोई गलत वीडियो है ये बोल करके उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। इसी के तहत महन जी परेशान हो गए और महन जी ने अपने 3 साथियों के साथ एक झूठ अपहरण की झूठी कहानी रचते हुए, उनके 3 जो साथी हैं मोहन राम निवासी वालेरा, भवा राम पुत्र मोहन राम निवासी वालेरा व सुजा राम निवासी मेंगलवा, इन 3 के साथ उन्होंने यह अपहरण की झूठी कहानी रची, जिसमें उन्होंने अपने कार को क्षतिग्रस्त किया, कुछ सामग्री भी उसमें रखी और वह बाकी सब सामग्री ले करके अपने कोई पहचान वाले सहयोगी जो कि पोसिंद्रा जिला सरोही में रहते हैं धर्मनाथ जी महादेव मंदिर में जाकर के रुके, 3 दिन वहां पर ठहरे और फिर जाकर के उन्होंने 3 तारीख की रात को रेवतर आबकारी थाने पर अपनी उपस्थिति दी। मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई जारी है, जो 5 मुलजिम जो उन्हें परेशान कर रहे थे उन्हें दस्तयाब किया जा चुका है, वो उनसे पूछताछ जारी है और आगे उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। यहाँ से बहन जी गाड़ी में गए थे या पैदल गए थे? वो अपने किसी सहयोगी के गाड़ी में वहाँ पर गए। तो इनकी कार पे जो लाठी मारी गई है वो उन्होंने स्वयं की है। झूठी कहानी रचने के पीछे कारण क्या है? इस झूठी कहानी रचने के, जैसे मैंने कहा कि वो परेशान हो गए थे, उन्हें कुछ 4-5 व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहे हैं, इसी बात को लेकर के वो परेशान थे, उन्हें पुलिस थाने आना चाहिए था, थाने ना आकर के उन्होंने एक झूठी अपहरण की कहानी रची। ब्लैकमेलिंग का रीजन क्या? ब्लैकमेलिंग का रीजन यही है कि उन्होंने महाराज जी को महान जी को ये बताया कि उनके संबंध में कोई गलत सामग्री उनके पास है। जो दिन में 2 लोग मिलकर गए थे महान जी, क्या वो शामिल है उसका? जी बिल्कुल, वो भी शामिल है। तो ये महान जी का सहयोग करने वाले हैं या ये जो साथ में गई? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, 29 तारीख को ठाकुर साहब से भी उनकी ऐसी फोन पे कोई कारण से बात हुई होगी, तो दोनों ही समय में उन्होंने ऐसी कोई बात जिक्र नहीं की, तो उससे ये तो समझ में आता है कि ठीक है आप परेशान हैं, लेकिन परंतु आप पुलिस को नहीं इन्वॉल्व करके और इस तरीके से झूठी कहानी रची हुई। तो मैंने दोनों बात बताई, झूठी कहानी भी रची हुई। देखिए, जो झूठी कहानी रचता है उसके लिए आईपीसी में एक इस्तगासा का धारा होता है और इस्तगासा कोर्ट में पेश होता है, फिर कोर्ट में उनकी सुनवाई चलती है। वो एक तरीके से कोर्ट के लिए तो केस है, लेकिन पुलिस के लिए वो केस नहीं है।